सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द ग्रुप थ्री। मैं आपको आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट जो है वो समझाने जा रहा हूँ। एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक आ रहे हैं। ये ऐसे टॉपिक है कि विच यू नेवर स्टडीड इन योर इंटरमीडिएट। तो आपको सब चीज़ें ऐसी मिलेगी जो आपको एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगी, आपको जानने में समझने में मजा आएगा। ऐसे टॉपिक्स की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। अब आप सब लोगों को पहले मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है हमारा मॉड्यूल है वो मैं पहले दिखा देता हूँ। सो लेट मी शो यू द मॉड्यूल फर्स्ट कि भाई क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट के अंदर क्या आता है। तो ये रहा आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मॉड्यूल, और उसके अंदर मैं अभी आपको ये टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये सिलेबस 2016 बेस्ड है ना। ये रिसेंट बुक है जो अवेलेबल है मार्केट में, उसी का आपको मैं बता रहा हूँ। अब है ना, ये इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ बाइफर्केशन है कि भाई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस 25 मार्क का, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशंस 20 मार्क का, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 25 मार्क का, एंड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट 30 मार्क का। अब आइडियली मैं बताऊँ इसमें टॉपिक क्या आता है, तो है ना पहले इसमें तीन या चार नाम देता हूँ, ये चार ही टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहला टॉपिक है आपका म्यूचुअल फंड, प्रैक्टिकल टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, म्यूचुअल फंड। दूसरा टॉपिक है आपका डेरिवेटिव्स। तीसरा टॉपिक है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड चौथा टॉपिक है आपका कैपिटल बजटिंग। पांचवा टॉपिक है आपका फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। अब ये पांच टॉपिक ही आपके कोर्स में है। इसमें ये इंडिविजुअल टॉपिक है जिसका 25 मार्क का वेटेज है। म्यूचुअल फंड मिनिमम 10 मार्क का, 8 से 10 मार्क का वेटेज आता है। डेरिवेटिव का मिनिमम 15 से 20 मार्क का वेटेज आता है। फॉरेक्स डेफिनेटली उसका भी 20 मार्क का वेटेज है, एंड कैपिटल बजटिंग का भी 15 मार्क के आजूबाजू का वेटेज है, इंक्लूडिंग दैट थियरीज। अब लोअर बाउंड को आप टच कर लो, 10-15 दैट इज 25, प्लस 25 50, 50 प्लस 20 70, एंड प्लस 15 85, तो बाकी का 15 मार्क का थियरी रहेगा। तो ये आपका इंडिविजुअल टॉपिक का वेटेज है। फिर यहाँ अलग अलग जगह पे ये सब बटा हुआ है, जैसे कि ये पहला है उसमें लीजिंग आ रहा है, बट लीजिंग इज अ पार्ट ऑफ योर कैपिटल बजटिंग पार्ट, है ना। फिर आपका यहाँ कैपिटल मार्केट, इंस्टीट्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, इधर म्यूचुअल फंड आता है, बराबर है। फिर ये पोर्टफोलियो, इधर ही आपका है ना डेरिवेटिव्स नाम का एक टॉपिक आता है, ये रहा डेरिवेटिव्स यहाँ। फिर यहाँ आपका है ना कैपिटल बजटिंग का बाकी का पोर्शन, एंड फॉरेक्स, ये दो आता है। सो ऐसे अलग अलग जगह पे आपके टॉपिक्स बटे हुए हैं, बट ये टॉपिक है। अब है ना हार्डली ये टॉपिक किसी ने सुने होंगे, एटलीस्ट जिन्होंने एमकॉम किया है उन्होंने ये टॉपिक्स के बारे में जाना होगा, अदरवाइज ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। सो ये आपका मॉड्यूल है, तकरीबन 600 पेज का आपका मॉड्यूल है। अब मैं आपको यहाँ से आगे ले जाता हूँ, अब क्या होगा, तो इसके अंदर हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। दूसरा मैं बता देता हूँ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये जो इधर है फाइनल में आपका, वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना आपका कैपिटल मार्केट के आजूबाजू घूम रहा है। अब कैपिटल मार्केट इन द सेंस स्टॉक मार्केट, क्योंकि उसके बारे में इंटर तक आपने पढ़ा ही नहीं। इंटर में आपने जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके ऑब्जेक्टिव थे, फिर डिविडेंड एनालिसिस था, लिवरेज एनालिसिस था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल था, कैपिटल स्ट्रक्चर थियरीज थी, वर्किंग कैपिटल था, कैपिटल बजटिंग था, फिर आपका कैश फ्लो, फंड फ्लो है ना वो था, फिर रेशियो एनालिसिस था। तो ये जो है ना वो ट्रेडिशनल है, उसमें से एक भी टॉपिक इधर नहीं है एक्सेप्ट कैपिटल बजटिंग, है ना। कैपिटल बजटिंग का भी बेसिक कुछ नहीं इधर, एडवांस पोर्शन है ना। तो उसके अलावा कोई टॉपिक यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, सब भी नए हैं। तो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपका ऐसा समझ लो कि स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो इधर कवर्ड है, स्टॉक मार्केट रिलेटेड।
है ना, जिसमें कैपिटल मार्केट आता है, मनी मार्केट आता है, म्यूचुअल फंड आता है, डीमटेरियलाइजेशन आता है, सभी इंडिविजुअल टॉपिक्स हैं। और आपको मैं बताऊं, एक एक सेशन में आप जो जो सुनोगे ना, वो आपके लिए गेन होगा। लाइफ में पहली बार सुनोगे, पहली बार आप अंडरस्टैंड करोगे। किसी ने कुछ एमकॉम वगैरह किया है तो उसमें कुछ पढ़ा होगा, बट यहाँ आपको डेफिनेटली, और ये टॉपिक पूरा आपको एमकॉम में रिपीट होता है ना। आपका जो लोग एमकॉम करते हैं उनको ये पूरा टॉपिक है ना रिपीट होता है आपको 100 मार्क्स। रिस्क मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आता है, उसमें यही सब टॉपिक्स हैं मोस्टली। डन, तो चलो अब मैं टॉपिक के इनसाइड जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ जिसका नाम है म्यूचुअल फंड, है ना। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द म्यूचुअल फंड। सो उसके अंदर मैं जाऊंगा, बट उससे पहले, बिफोर आई गो इनसाइड द म्यूचुअल फंड, आपको मैं बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर करने जा रहा हूँ। सो कुछ बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखूंगा इधर जो आपको वन बाय वन आपको समझनी है कि विच आर दिस टर्मिनोलॉजीज। तो चलो ये टर्मिनोलॉजीज की शुरुआत करता हूँ। जहां किसी को कुछ भी डाउट लगे आप मेरे को आवाज रेज कीजिए या फिर मैसेज कीजिए। चलो सबसे पहला टॉपिक, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मैं सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसमें मैं आपको फाइनेंशियल मार्केट ये शब्द समझाने जा रहा हूँ। व्हाट वुड बी द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि पूरा कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सब टॉपिक का रूट यहां से चालू होता है। तो व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल मार्केट, तो मैं बता रहा हूं कि इट इज द मार्केट इन विच फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। ये ऐसा मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट मीन्स ऐसा मार्केट जिसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग होता है। सर कौन कौन सी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती है वो तो आपको मालूम है, आपने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ा है ना। आपको इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का टॉपिक था, जिसमें इक्विटी शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स है, डिबेंचर्स है, फिर मनी मार्केट की जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सब टॉपिक्स थोड़े थोड़े उधर कुछ नाम आए थे, यहाँ ये सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट इज द राइट मार्केट इन विच फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। अब ट्रेडिंग होना मीन्स बाइंग सेलिंग होना, है ना। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज का बाइंग सेलिंग जहाँ होता है वो मार्केट को हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। अब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज जो है वो ये फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड होती है उसमें ना सिक्योरिटीज दो प्रकार की होती है, है ना। सिक्योरिटीज जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है शॉर्ट टर्म, दूसरी सिक्योरिटीज होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मीनिंग क्या है कि दिस सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर, एक साल के अंदर के पीरियड के लिए ही, मीन्स सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर ए पीरियड लेस देन 1 ईयर, है ना। इश्यू होगी एक साल के अंदर तो वो रिडीम हो जाएगी। आपको अगर मैं कोई सिक्योरिटी अभी दे रहा हूँ लाइक शेयर्स, डिबेंचर, ऐसा कुछ, है ना, शेयर डिबेंचर एक साल के अंदर नहीं होते, बट उसके अलावा अगर कोई सिक्योरिटी अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो एक साल के अंदर तो आप मेरे को, मीन्स मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा, आप मेरे को राइट नाउ पैसे दोगे, फिर वो पैसे मैं एक साल के अंदर तो आपको रिडीम कर दूंगा। तो ये सब सिक्योरिटीज को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोलते हैं। एंड दूसरी है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, वो आप जानते हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इवन बॉन्ड्स, ये सब लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज मीन्स दिस सिक्योरिटीज आर इश्यूड फॉर ए पीरियड मोर देन 1 ईयर, एक साल से ऊपर के टाइम के लिए ये सिक्योरिटीज इश्यू होती है। तो अब ये दोनों के जो मार्केट है ना, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मार्केट एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मार्केट, उनके कुछ नाम है। जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का मार्केट है उसका नाम है मनी मार्केट, एंड जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का मार्केट है उसका नाम है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट,
मनी मार्केट मीन्स ऐसा मार्केट जिसमें ऐसी सिक्योरिटीज का ट्रेडिंग हो रहा हो जो लेस देन वन ईयर के लिए इश्यू की गई, जबकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ऐसी है जो ग्रेटर देन वन ईयर के लिए इश्यू की गई। बराबर है। अब सर उदाहरण दो ना, इसके अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती है, तो मैं उसके उदाहरण देता हूँ। कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स आएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, डिबेंचर्स आएंगे, बॉन्ड्स आएंगे, फिर लॉन्ग टर्म लोन्स आएगी। ये आपके लॉन्ग टर्म्स है। शॉर्ट टर्म या मनी मार्केट में क्या क्या आता है सर? मनी मार्केट में आपकी सभी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आएगी। उदाहरण दो ना, कुछ उदाहरण देता हूं आपको। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, मनी एट कॉल या फिर शॉर्ट नोटिस, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स। ये सब आपके कैसे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है ये सब, और ये सब कैसे है लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये मार्केट को हम मनी मार्केट बोलेंगे, ये मार्केट को हम कैपिटल मार्केट बोलेंगे। पढ़े ना, तो मैं आपको एक और भी हिंट दे रहा हूं। जितनी भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होगी ना, वो सभी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होगी। सर क्यों ऐसा? क्योंकि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में ही ये रिपेमेंट आता है। बाकी अगर हम इक्विटी शेयर्स की बात करें, जो ऑनरशिप सिक्योरिटी है, वहां रिपेमेंट नहीं होता है। मीन शेयर्स इश्यू किए तो कब तक वो इश्यू रहेंगे? जब तक कंपनी चलेगी शेयर्स रहेंगे, है ना। ऑनर्स जो है उसको रुपए वापस नहीं मिलेंगे शेयर्स के, जैसे डिबेंचर्स रिडीम होते हैं, ऐसे इक्विटी शेयर्स रिडीम नहीं होते। डेफिनेटली प्रेफरेंस शेयर रिडीम होते, वो अलग चीज है, बट इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं होते। तो हमेशा याद रखना कि जितनी भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होगी ना, मोस्टली डेब्ट सिक्योरिटीज होगी। ठीक है, तो उसको डेब्ट मार्केट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेब्ट मार्केट, ना। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज का जो मार्केट है उसको हम मनी मार्केट भी बोलेंगे और डेब्ट मार्केट भी हम बोलेंगे। ठीक है, अब है ना, पहले तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि सर एकदम से ये सब कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट ये सब चालू हो गया, सर हमको तो इंटरेस्ट भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो हम क्यों पढ़ें? बेटा आपको इंटरेस्ट हो या ना हो, आपको ये कोर्स में है तो इंटरेस्ट जगाना ही पड़ेगा आप, है ना। इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर योर CMA और योर CA whatever, है ना, फाइनल में ये सब्जेक्ट को क्लियर करे बिना आप जा ही नहीं सकते, तो आपको ये कंपलसरी करना ही करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि ये पढ़ो, इंटरेस्ट क्रिएट करो। ये है ना एडिशनल फील्ड है आपको कमाने, है ना, एडिशनल फील्ड है। अगर मैं बताऊँ, अगर आप आगे जाके फ्यूचर में अगर प्रैक्टिसिंग एरिया में आगे बढ़ते हो, तो प्रैक्टिस है ना हमेशा 11:30 के आजू बाजू चालू करने की, और उससे पहले ना मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग स्टॉक मार्केट, है ना। 9 बजे से चालू हो जाएंगे, 11:30 तो तक तो 5-7 हज़ार आ जाएंगे पूरे दिन के, है ना। उसके बाद आगे का काम चालू होगा, उनकी प्रैक्टिस वैक्टिस उसके बाद चालू होगी। सच में बता रहा हूँ, इतना सारा लोग कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। कैसे कमाएंगे वो पूरा हम पढ़ेंगे। ये पूरे टॉपिक जितने भी है उसमें हम स्टॉक मार्केट में हमारा व्यू पॉइंट कैसा होना चाहिए, वो पूरा कैसे मैकेनिज्म क्या है उसका, वो कैसे चलता है, वो सब हम इधर पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस गो इनसाइड। तो मैंने यहाँ आपको ये सिक्योरिटीज के नाम बताए कि भाई सिक्योरिटीज, उसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज मनी मार्केट, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट। अभी कुछ और वर्ड्स आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, तो लेट अस स्टडी। एक वर्ड है स्टॉक मार्केट। ये क्या होता है सर, है ना। स्टॉक मार्केट में अगर आपने नाम सुना होगा तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज है, है ना। आपको ये सब नाम याद होंगे, नहीं होंगे तो अब आज से आप सुनने का तैयारी शुरू कर लो, है ना। लड़कियों को तो बहुत ऐसा रहता है कि सर हम लोग तो लाइफ में कभी ये शेयर वेयर वगैरह कुछ किया नहीं, हमको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, फिर भी पढ़ने का। आप पढ़ने का, है ना, मजा आएगा, आप लोग को इंटरेस्ट हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो क्या है, देखो स्टॉक मार्केट शब्द क्या है, तो स्टॉक मार्केट है ना ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। राइट नाउ अभी मैं उसकी डेफिनेशन बताऊँ तो एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। वर्चुअल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ऑनलाइन, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ आप ऑनलाइन अपनी सिक्योरिटीज बेच सकते हैं।
सिक्योरिटीज का मीनिंग शेयर्स डिबेंचर्स ऐसा ही समझ लो आप, इक्विटी शेयर्स डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर, इसको ही आप सिक्योरिटी अभी समझ लो। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप ये अपनी सिक्योरिटीज बेच सकते हो। तो सर आपने तो ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज बताई ना, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी अगर स्टॉक मार्केट में बेची जा सकती है क्या? यस, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी स्टॉक मार्केट में बेची जा सकती है। मीन्स वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये सब जो मैंने नाम लिखे है वो सब सर ऑनलाइन स्टॉक मार्केट पे हम बेच सकते हैं। यस, बेच भी सकते हो, बाय भी कर सकते हो। एक और बहुत बड़ा नाम मैं लिखना भूल गया, उसका नाम है ट्रेजरी बिल। क्या नाम है? ट्रेजरी बिल, टी बिल भी बोलते हैं इसको, ये भी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में ही आता है। उसका नाम क्या है? टी बिल, जिसको ट्रेजरी बिल भी बोला जाता है। नाउ व्हाट इज दिस ट्रेजरी बिल, है ना? हमारी गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? अब सपोज अर्निंग है नहीं और खर्चा करना है तो पैसा कहाँ से आएगा? तो है ना, लोन लिया जाएगा उसमें, तो क्या फिर वही होता है लास्ट में। तो अब क्या होता है कि गवर्नमेंट आरबीआई को बोलता है ना, याद रखना मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करूंगा, आपको थोड़ा बुरा या अच्छा लग सकता है, बट मैं तो बोलूँ कि अच्छा ही लो, है ना। गवर्नमेंट को हम मेल मानते हैं और आरबीआई को हम फीमेल मानते हैं। गवर्नमेंट को हम हस्बैंड मानते हैं एंड आरबीआई को उसकी वाइफ मानते हैं। ये समझने के लिए मैं बोलता हूँ, आप लेटर ऑन देखना उनके फंक्शंस ऐसे ही है कुछ। जैसे कि अब हस्बैंड को पैसे की जरूरत है, उसके पास पैसे है नहीं, तो वो वाइफ को बोलेगा कि चल कुछ अरेंज कर, अपने पास फीन मनी होंगे वगैरह इधर उधर से ला। अब वाइफ क्या करेगी? उधर उधर से अरेंज करेगी। और ऐसा ही है इधर, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है नहीं, तो आरबीआई को बोलेंगे गवर्नमेंट कि भाई पैसे चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, प्लीज अरेंज। एंड आरबीआई फिर क्या करेगा? आरबीआई वो लिक्विडिटी लाने के लिए क्या करेगा? मार्केट में ट्रेजरी बिल नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बेचेगा। कि ट्रेजरी बिल मार्केट में ना पेश किया जाता है, बेचा जाता है, और मैक्सिमम हाईएस्ट लाइफ ऑफ ट्रेजरी बिल इज 364 डेज, है ना, 364 दिन। उससे ज्यादा टाइम पीरियड का ये ट्रेजरी बिल होता ही नहीं। मींस द मोमेंट वन ईयर एंड आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इशू करती है। अब गवर्नमेंट पे तो आप थोड़ा डाउट करोगे कि ये गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं है, है ना। तो आप समझ लो कि एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट है ट्रेजरी बिल। गवर्नमेंट को लिक्विडिटी की जरूरत होती है, उसलिए वो ट्रेजरी बिल इशू करवाते हैं। वो रुपए आते हैं, आरबीआई गवर्नमेंट को देती है, गवर्नमेंट अपने लिक्विडिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, फिर जो टैक्स वगैरह में से रेवेन्यू आता है उसमें से वो क्या करते हैं, ये ट्रेजरी बिल का रुपया रिपे करते हैं। तो ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो ए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ठीक है। अब आगे कुछ और वर्ड आते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो मैंने बताया कि इट इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म इन विच दिस सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड और परचेज्ड ऑन ऑनलाइन मोड, है ना। ऑनलाइन मोड पे ये सिक्योरिटीज आप परचेज या सेल कर सकते हो, उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं, है ना। इसको मैं बोलूंगा इट इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। क्या है? इट इज अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म। वेयर securities can be traded, ठीक है, securities को trade करते हैं। अब कुछ और, ये जो stock market है उससे जुड़े हुए कुछ शब्द। पहले तो स्टॉक मार्केट क्या है, तो अगेन मैंने बताया कि सिक्योरिटीज यहाँ परचेज या सेल करी जा सकती है। बट आपको मालूम है पूरा स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे चलता है? अब सपोज मेरे को कोई एक पर्टिकुलर मार्केट में जाके बाय करना है, सेल करना है, तो मैं जाके कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप बड़ौदा में रहते हो सब लोग, और सिटी के अंदर सपोज वहाँ जो स्टॉक मार्केट है वहाँ जाके आपको अपने कोई सब्जी वहाँ बेचनी है या फिर वहाँ से बाय करनी है, तो आप आराम से कर सकते हो। वहाँ जाओगे, वहां से ले लोगे, वहां जाओगे, वहां बेच दोगे, सीधी सीधी बात है ना। बट ऐसा आप स्टॉक मार्केट में जाके कर सकते हो कि मैं अपने शेयर्स लेके स्टॉक मार्केट पे गया, उसकी साइट पे गया और वहां जाके बेच दिए। मैं अपनी मैं स्टॉक मार्केट की साइट पे गया और वहां से शेयर्स बाय कर लिए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो पाएगा। यू योर सेल्फ कैन नॉट डू एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर कोई आदमी कर सकता है ना कोई भी डीलिंग, तो वो ब्रोकर नाम का एक आदमी है, वही कर सकता है। अगेन नया वर्ड आपके लिए आया है, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए एक शब्द का नाम है ब्रोकर।
अब ये क्या है सर, ब्रोकर कौन होता है? तो ब्रोकर एक ऐसा बंदा है कि जो दो लोगों को मिलाता है। सपोज मेरे को शेयर्स बेचने हैं, सुमित को बाय करने हैं, तो मैं उधर जाऊंगा और वहां बोलूंगा कि मेरे को बेचना है। फिर वो वहां मार्केट में घूमेगा और देखेगा कि सुमित नाम का एक बंदा है, उसको बाय करना है, और फिर वो हम दोनों को मिला देगा। इतने लिखा है, उसको दलाल बोलते हैं। सही बात है ना, दलाली, कमीशन एजेंट, सही, सेम वर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ब्रोकर बोलते हैं स्टॉक मार्केट में, इसको ब्रोकर। तो विदाउट ब्रोकर यू कैनॉट डील एनीथिंग इन स्टॉक मार्केट। आपको अपने शेयर बेचने भी है ना, तो थ्रू ब्रोकर ही बेचना पड़ेगा, और अपने से नए शेयर बाय करने ना, तो भी ब्रोकर थ्रू ही करना पड़ेगा। तो सर फिर ब्रोकर को कुछ ब्रोकरेज तो देना पड़ता होगा ना? यस, ब्रोकरेज देना है उनको, कमीशन देना है सर। तो फिर उनको क्यों बीच में रखा? ये तो आप उनको जानबूझ के फायदा पहुंचा रहे हो ना, कि आप जितना भी बाय करोगे सेल करोगे हर बार आपको देना ही देना है। हाँ सही बात है, इसलिए उनका मार्जिन उन्होंने बहुत कम अमाउंट का रखा है। स्टॉक मार्केट में ब्रोकर को बहुत कम मार्जिन मिलता है, 0.5% या 0.05%, 0.35%, ऐसा ऐसा होता है, परसेंटेज है ना। 0.05% का मीनिंग कितना होता है? 0.05, पॉइंट के आगे एक जीरो है, फिर फाइव है, और बाजू में परसेंटेज है। वो परसेंटेज निकाल दोगे तो 0.0005 ऐसा हो जाएगा, पॉइंट के बाद 0.0005 ऐसा हो जाएगा। तो आप जो भी जितनी अमाउंट का ट्रेडिंग किया मल्टीप्लाइड बाय 0.0005 उतना देना हो। अरे वेटिंग, अगर वो 0.05% रेट हो तो कहने का मीनिंग ये ब्रोकर थ्रू ही करते हैं। सर ऐसा क्यों कि उनके थ्रू ही होता है? उनके थ्रू होता है ना, तो मॉनिटरिंग पॉसिबल है। अगर मेरे को मालूम है कि ट्रांजेक्शन करने वाले ये 3 या 4 लोग ही है मार्केट में, इनके थ्रू ही होता है, तो जो भी गड़बड़ है ना वो ढूंढने में बहुत ईजी रहेगा। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो चौथे में गड़बड़ होगी। सो दैट इज वाई फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, कंट्रोलिंग पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी, दे आर डूइंग ऑल द ट्रेड्स थ्रू स्टॉक मार्केट, थ्रू ब्रोकर, सॉरी। अब ये ब्रोकर को है ना, टर्म्स एंड कंडीशन इतनी ज्यादा हैवी लगा देते हैं वो लोग कि आपको ब्रोकर रहना है, ओके, आपको फिक्स अर्निंग करनी है, यस, एक काम करो, इतनी कंडीशन फुलफिल करो तभी हम आपको ब्रोकर का लाइसेंस देंगे। अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं की तो आपको वो लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, एंड फिर आप ब्रोकरेज नहीं कर पाओ, ठीक है। तो ये ब्रोकर्स है, बहुत कमाते हैं। कोई बेच रहा है, कोई बाय कर रहा है, ब्रोकर को कोई पड़ी नहीं, उनको तो रुपया मिल रहा है ना। कोई बाय कर रहा है तो भी रुपया मिलता है उनको, कोई सेल कर रहा है तो भी उनको मिलता है, मार्केट अप जाता है तो भी मिलता है उनको, मार्केट डाउन जाता है तो भी मिलता है, क्योंकि जब भी ट्रांजेक्शन होगा दे आर गोइंग टू अर्न। तो ये ब्रोकर वर्ड है। एक और वर्ड आपको मैं इसके साथ साथ समझाने जा रहा हूँ, वो है लिस्टिंग। ये क्या होता है सर? स्टॉक मार्केट में आपकी जो सिक्योरिटीज है ना, उसको लिस्टिंग कराना पड़ता है, उसका लिस्टिंग कराना पड़ता है। अब ये क्या होता है सर? मैंने सपोज, मेरी कंपनी है XBA लिमिटेड, तो उसने सपोज 10 करोड़ के शेयर्स इशू किए। अब ये शेयर्स मैंने इशू कर दिए, सपोज मैं कंपनी हूँ तो मैंने शेयर्स इशू किए, आप सब शेयर होल्डर हो, आपने शेयर्स बाय किए, ठीक है, मेरे को रुपए मिल गए एंड आपको क्या मिल गया? शेयर। अब ये शेयर आपने इसलिए लिया कि फ्यूचर में आप बेच पाओ, तो उसकी प्राइस बढ़ जाए तब, तो आप क्या करोगे? अब ये शेयर को संभाल के बैठोगे, फिर उसकी हर रोज मार्केट प्राइस देखोगे, बट मार्केट प्राइस मिलेगी कैसे? मार्केट प्राइस कहाँ से मिलेगी सर? तो मार्केट में जाना पड़ता है ना, जब भी प्राइस पूछना है यू हैव टू गो टू द मार्केट, यू हैव टू गो टू द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट किसकी प्राइस बताएगा? स्टॉक मार्केट उसी स्टॉक की प्राइस बताएगा जो वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होंगी। मीन समझ लो कि मेरा एक पूरा सब्जी मंडली है, अब मेरे यहाँ टमाटर आते हैं, तो मेरी मंडली से आपको टमाटर का प्राइस चाहिए, तो टमाटर वाले को मेरे पास आके बताना पड़ेगा कि ही इज गोइंग टू सेल टमाटर। तो फिर मैं मेरी कॉमोडिटीज के लिस्ट में लिखूंगा कि भाई ये जो टमाटर है वो भी हमारे मार्केट में अब मिलता है और उसका ये प्राइस है। बट अब वो बंदा अपना नाम लिखाने ही नहीं आएगा कि भाई टमाटर है, तो फिर वो जहाँ खड़ा होगा उसके आजू बाजू लोगों को ही मालूम पड़ेगा कि यहाँ टमाटर मिलता है, बाकी पूरे मार्केट में मालूम ही नहीं पड़ेगा। तो लोगों को अवेयरनेस पहुंचाने के लिए ना, इट इज कंपल्सरी इसका आप लिस्टिंग करा लो। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, आप है ना जस्ट डायल पे जाओ, और है ना एक एप्लीकेशन है, आपको मालूम है 8888 10 10 आप लिखो, वो जस्ट डायल का नंबर है, वहां जाके आप कुछ भी चीजें सर्च करो, आप है ना वहां जाके लिखना कोचिंग फॉर CMA इन बड़ौदा, तो आपको है ना बड़ौदा में जितने भी कोचिंग
सीएमए के कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, उन्होंने वहां लिस्टिंग कराया होगा तो उनका दिखेगा। अब सपोज मैंने लिस्टिंग कराया है, बट एक दूसरे टीचर है जो सीएमए पढ़ाते हैं, उन्होंने नहीं कराया, तो वहां ऑनलाइन क्या दिखेगा? सिर्फ मेरा ही नाम दिखेगा। बस वो चीज है, लिस्टिंग का मीनिंग ये होता है कि मेरे को जस्ट डायल में मेरे आपको लिस्ट कराना पड़ता है। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मेरे को वो जस्ट डायल वालों से बात करनी पड़ेगी, फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, फिर वो मेरी बेसिक डिटेल्स लेंगे, मेरे पास पैसे लेंगे, और फिर कुछ एक पीरियड के लिए मेरा नाम उधर लिस्टिंग कर देंगे। फिर आप जब भी सर्च करोगे उनके वहां दिखाएगा कि आपको ये चाहिए, तो यहाँ मिल जाएगा। आर यू गेटिंग? तो ये जैसे आप जस्ट डायल में अपना नाम लिस्टेड कराते हो ना, ऐसा आपको अपने शेयर्स को मार्केट में घुमाना है, मार्केट में लोग ये शेयर्स के बारे में जाने, ये आपकी इच्छा है, तो आपको अपने शेयर्स को लिस्टेड कराना पड़ेगा। अगर आपने लिस्टिंग नहीं कराया तो आप अपने शेयर्स ऑनलाइन नहीं बेच पाओगे। ऑफलाइन बेच सकते हो बट ऑनलाइन नहीं बेच पाओगे। सो ये कंपलसरी है लिस्टिंग कराना। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब उसके लिए आपको ग्रुप थ्री में लिस्टिंग एग्रीमेंट पढ़ाया जाएगा, लॉ, कॉर्पोरेट लॉ नाम का सब्जेक्ट है उसके अंदर। सर क्या है इसके अंदर कॉर्पोरेट लॉ के अंदर? कॉर्पोरेट लॉ के अंदर लिस्टिंग इज सेपरेट चैप्टर, और आप जब भी कोई भी अपनी सिक्योरिटीज लिस्टेड कराना चाहते हो तो आपको है ना लिस्टिंग एग्रीमेंट की कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। ये क्या होता है सर कि लिस्टिंग एग्रीमेंट आप कॉर्पोरेट लॉ में पढ़ो, उसमें जितनी भी टर्म्स कंडीशन लिखी है वो कंपनी अगर वो सभी टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करती है तभी उसके शेयर्स वहां लिस्टेड होंगे। तो ये एक प्रकार से एक है ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो गया। कंपनियों को इनडायरेक्टली गवर्न करने के लिए कुछ नियम बना दिए, बोला कि ये नियम फॉलो करोगे तभी आप अपने शेयर्स लिस्टेड करा पाओगे। अब वो सर नियम कौन कौन से है? बहुत सारे नियम है, जैसे कि आपकी कंपनी का ऑडिट होना चाहिए, आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, ये कमेटी होनी चाहिए, वो कमेटी होनी चाहिए, इतने सारे नियम हमने बनाए हैं, वो सब नियम आपने कंप्लाई किए होने चाहिए, आप पर एक भी फ्रॉड का केस नहीं होना चाहिए, है ना, आपने कभी भी किसी की सिक्योरिटीज वगैरह इशू की है उसके रीपेमेंट में आपने कभी भी कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन को लगा देते हैं एंड वो टर्म्स कंडीशन को फॉलो करती है ना वही कंपनियां उधर होती है। तो आप समझ लो कि वहां कौन सी कंपनी आएगी जो अच्छी होगी, ये और ये सिर्फ एक साल का नहीं, पिछले 5 साल के अंदर ये सब आपको फुलफिल करना है। तो नई नई कंपनियां नहीं आएगी उधर, उधर ऐसी एग्जिस्टिंग कंपनी आएगी जो बहुत टाइम से काम कर रही है और अपने एरिया में आगे बढ़ रही है। तो ये आपका लिस्टिंग है ना, आप पढ़ोगे लिस्टिंग एग्रीमेंट इन योर कॉर्पोरेट लॉ सब्जेक्ट। फिर आगे आगे एक वर्ड है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, डीमैट। बहुत ही जोरदार वर्ड है, एंड दूसरा एक वर्ड है रिमैट। ये क्या होता है सर? डीमैट क्या होता है और रिमैट क्या होता है? तो आपने सुना होगा कि आपने अपना डीमैट अकाउंट खुला है। चलो मैं आप सभी को ओपनली पूछ रहा हूँ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है? प्लीज रेज योर हैंड। किन्होंने अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाया है यहाँ जितने बैठे हो उसमें से? कोई है? एत का है? अच्छा डीमैट अकाउंट है, ओके फाइन। हाँ बोल, प्रोसेस में है, प्रोसेस में है। अच्छा मीन्स आपने ओपन करने का एप्लीकेशन दिया है, अभी नंबर नहीं आया, ऐसा है? रिपीट कर जो, आपका डीमैट अकाउंट खुल गया है कि या खोलने के लिए दिया हुआ है आपने? दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट फाइन फाइन आई गेट। सो प्रोसेस में है, उन्होंने डीमैट ओपन करने का दिया है, अभी खुला नहीं। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ ये डीमैट होता क्या है। इट इज लाइक अ बैंक ऑफ शेयर्स, है ना। डीमैट क्या होता है? इट इज लाइक अ बैंक ऑफ शेयर्स। बैंक में आप क्या करते हो? पैसे रखने जाते हो, आपके पैसे वहां सेफ रहते हैं, जब आप विड्रॉ करने जाओ आपको पैसे मिल जाते हैं, ठीक है। एटीएम से या फिर नेट बैंकिंग से आप अपने अकाउंट में से किसी और के अकाउंट में भी रुपए भेज देते हो, है ना। कोई चीज परचेज करते हो, सर्विसेज अवेल करते हो और उसका पेमेंट ये इस बैंक में से कर देते हो। सिमिलरली ये शेयर्स की बैंक है डीमैट, है ना। आप सपोज यहाँ कैश लेके गए 60,000 रुपया बैंक में और कैश दे दी उनको,
फिर उन्होंने क्या किया, एंट्री किया आपके अकाउंट में एंड तुरंत ही आपको दिखा, आपको मैसेज आ गया एसएमएस कि आपके अकाउंट में 60,000 जमा हुए, तो आपकी जो फिजिकल कैश थी वो अब कहाँ तब्दील हो गई, आपकी फिजिकल कैश थी वो कहाँ तब्दील हो गई, कहाँ कन्वर्ट हो गई? तो आपकी जो फिजिकल कैश थी इट इज कन्वर्टेड नाउ इनटू द वर्चुअल कैश, है ना। आपके पास जो फिजिकल कैश पड़ा था वो अब आपका सॉफ्ट मनी हो गया, जो हार्ड मनी था ना वो क्या हो गया, सॉफ्ट मनी, है ना। हम नहीं बोलते सॉफ्टवेयर, है ना, तो सॉफ्ट फॉर्म, तो ऐसा सॉफ्ट मनी मीन्स आपके जो कैश थी ना वो अब है ना सॉफ्ट मनी में कन्वर्ट हो चुकी है, ऑनलाइन मनी में कन्वर्ट हो चुकी है, और ये ऑनलाइन मनी का आप पेमेंट कर सकते हो इजीली, ठीक है, ये ऑनलाइन मनी का आप पेमेंट कर सकते हो इजीली, डन, यस। तो ये है आपका डीमैट। अब डीमैट में सर कैसा होता है, अब है ना उसका पूरा प्रोसेस समझना है, ये से एक पूरा चैप्टर है आपको आगे जाके आएगा, है ना, 5-7 पेज का चैप्टर है डीमैट रिमैट करके। तो अभी मैं उसका बर्ड आई व्यू आपको बता देता हूँ कि डीमैट में होता क्या है। अब है ना आप समझ लो, कोई भी कंपनी है उसके पास उसके जो शेयर होल्डर है उसका पूरा लिस्ट होगा, उसको कहाँ होता है सर, वो एक शेयर होल्डर्स रजिस्टर करके एक रजिस्टर बनाती है, उसके अंदर हर एक कंपनी अपने शेयर होल्डर का रजिस्टर बनाती है और उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है उनके नाम लिखे होंगे और उसके बाजू में उनके शेयर्स की संख्या, शेयर्स के नंबर लिखे होंगे, लेजर फोलियो नंबर्स। तो सपोज कंपनी ने 10 करोड़ शेयर्स इशू किए हैं तो पहले 10 शेयर किसके नाम पे है, फिर नेक्स्ट 50 शेयर किसके नाम पे है, जिन्होंने जितनी क्वांटिटी दी होगी उस हिसाब से कंपनी के पास सभी का नाम होगा, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स रजिस्टर। अब है ना ये रजिस्टर अब दो प्रकार के होते हैं 1994 के बाद, ये रजिस्टर अब दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा रजिस्टर जिसमें ऐसे शेयर होल्डर्स के नाम है जिनके पास शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं। आप सोचो 1994 के पहले सब जब ऑनलाइन कुछ नहीं था, ये एनएससी की स्थापना भी नहीं हुई थी, तब है ना फिजिकल शेयर्स होते थे, मींस मेरे पास शेयर्स के सर्टिफिकेट होते थे और वो शेयर सर्टिफिकेट डमी भी बनते थे, जैसे आज जाली नोट फेक करेंसी आती है, उस टाइम पहले फेक क्या बोलते थे कि ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स भी बनते थे जिसमें शेयर्स भी होते थे, तो बहुत चांसेस था ऐसा फेक करेंसी का, तो सॉरी फेक शेयर सर्टिफिकेट का। तो वो दूर करने के लिए उसको है ना उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का सोचा, तो उसके लिए है ना डीमैट फॉर्म। अब ये उसका सॉफ्ट फॉर्म है ना, उसी को डीमैट फॉर्म बोलते हैं। अब आपके पास शेयर्स की फिजिकल कॉपी नहीं आएगी बट आपके अकाउंट में शेयर्स इतने हैं ऐसा जमा हो जाएगा, तो उसको आपको अपना डीमैट अकाउंट बोलते हैं। अब ये जो डीमैट अकाउंट है वो कहाँ खोला जाता है, जैसे बैंक, आप बैंक के अंदर आप अपना अकाउंट खोलते हो, ऐसा शेयर्स की भी एक बैंक होगी जहां आप अपना ये अकाउंट खोलोगे, वो शेयर्स की जो बैंक है ना उसी का नाम है डिपॉजिटरी। क्या नाम है उसका, डिपॉजिटरी, ठीक है। ये डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी इज द शेयर होल्डर्स बैंक, शेयर्स बैंक, वहां जाओ आप और शेयर्स जमा कर दो, ठीक है, आप अपने फिजिकल शेयर्स लेके जाओ वहां शेयर्स जमा कर दो, वो लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स मेंटेन रखेंगे, आपको एक है ना पासबुक जैसा दे देंगे, एक ऐप दे देंगे, आप ऑनलाइन अपना कितने शेयर्स पड़े वो देख पाओगे, बराबर है। तो ये है आपका डीमैट, आपके फिजिकल शेयर्स आपने क्या किया उसको डीमैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब्दील कर दिया। सर उसमें प्रोसेस कैसा होता है, बड़ा सिंपल प्रोसेस है। एक डिपॉजिटरी इज अ बैंक, बट है ना बैंक की आपको मालूम होता है ब्रांचेज होती है, ऐसा जो आपका डिपॉजिटरी है उसकी ब्रांचेज होती है, उसको बोला जाता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी, डीपी मीन्स डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इट इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अ बैंक, है ना, ऐसा मान लो। तो आप जब SBI में अपना अकाउंट खोलते हो तो उसका मीनिंग आप SBI बैंक की कोई पर्टिकुलर ब्रांच में अपना अकाउंट खोलते हो। तो सिमिलरली जब आप शेयर्स डीमैट कराते हो तो आप कोई पर्टिकुलर डिपॉजिटरी में जाके उसकी कोई पर्टिकुलर ब्रांच दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके अपने शेयर्स का फॉर्म चेंज करते हो, फिजिकल फॉर्म की जगह वो शेयर्स अब कौन से फॉर्म में होंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होंगे, ठीक है। कैसे होगा सर, मैं अपने फिजिक पहले तो मैं अकाउंट ओपन कराऊंगा, है ना, जैसे बैंक में अकाउंट ओपन कराया जाता है ऐसा आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाते हो,
वहां आप पर्टिकुलर डिपॉजिटरी में जाओ कि पर्टिकुलर ब्रांच में, दैट इज पर्टिकुलर डिपॉजिटरी के पर्टिकुलर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाके आप अपना अकाउंट खोलोगे, फिर अकाउंट कुछ पैसे दे के अकाउंट खुलेगा, फिर आप अपने फिजिकल शेयर्स उनको दोगे, फिजिकल शेयर्स दोगे और साथ साथ में एक है आप नहीं, जब आप रुपए जमा करते हैं तो एक है ना फॉइल फिलअप करते हो, उसके अंदर लिखते हैं 500 की इतनी नोट है, 200 की इतनी नोट है, 100 रुपए की इतनी नोट है, 2000 की इतनी नोट है, तो ऐसा उसको फॉइल बोलते हैं, ऐसा आप कुछ फॉइल फिलअप करोगे, है ना, जब भी आप शेयर जमा करने जाते हो तो एक फॉइल फिलअप करोगे और उसमें लिखोगे कि ये 100 कंपनी के इतने शेयर, उनका इतना इतना लेजर फोलियो नंबर है और इसका मेरे को डिमांड कराना है, तो वो पूरा लिस्ट आप उनको दोगे, फॉइल फिलअप करोगे, फिर आपके फिजिकल शेयर को ले लेंगे, जैसे हमारे पास से फिजिकल कैश लेते हैं वो आपसे फिजिकल शेयर्स ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, यहाँ तो क्या ये कैश बैंक के पास पड़ी होती है, वहां शेयर्स डीपी के पास नहीं पड़े होते, डीपी क्या करता है वो फिजिकल शेयर्स कंपनी को भेजता है कि भाई आपकी कंपनी के शेयर्स है, ठीक है, ये फोलियो नंबर है, उसके ये ओनर है ना, कंपनी भी अपने बुक में देख लेगी कि यस हमारे पास जो शेयर रजिस्टर पड़ा है उसके अंदर इतने से इतने नंबर के शेयर ये आदमी के नाम पे बुक है, और वो सर्टिफिकेट देखती है तो कंपनी को कंफर्मेशन मिलता है यस ये जेन्युइन ओनर है। अब है ना अब कंपनी क्या करेगी, अब कंपनी एक दूसरा रजिस्टर भी बनाएगी, एक रजिस्टर होगा शेयर होल्डर्स रजिस्टर बट शेयर इन फिजिकल फॉर्म वाला, एंड दूसरा एक रजिस्टर होगा शेयर होल्डर्स रजिस्टर बट वहां लिखा जाएगा कि शेयर्स इन डिमांड फॉर्म। फिर क्या होगा, कंपनी अपने जो फिजिकल फॉर्म वाले रजिस्टर में से ये आदमी के जो शेयर्स है वो हटा देगी, कैंसिल कर देगी वहां से, और वो शेयर्स की क्वांटिटी वहां से हटा के डिमांड वाले रजिस्टर के अंदर डाल देगी कि भाई ये फिजिकल शेयर्स वालों का जो लिस्ट था उसमें 10 शेयर सुमित के थे वो अब कट हो गए, और अब जो डिमांड वाला लिस्ट है उसमें 10 शेयर सुमित के हम वहां ऐड कर देते हैं। तो इन शॉर्ट एक रजिस्टर में से नाम डिलीट करके दूसरे रजिस्टर में आपका ऐड करवाया, ठीक है। अब क्या हो गया, कंपनी ने अब सर्टिफिकेट दिया कि यस इसके शेयर्स हमने ये रजिस्टर में से ये रजिस्टर में तब्दील कर दिए। अब ये जो प्रूफ है उसके बेस पे वो डीपी क्या करेगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, आपका जो वो अकाउंट खोला है ना उसके अंदर वो शेयर्स की क्वांटिटी लिख देगा कि अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के 15 शेयर डिमांड हो चुके हैं, ऐसा। आर यू गेटिंग? तो हर एक कंपनी के शेयर्स, बट वहां शेयर्स की वैल्यू कभी भी नहीं लिखी जाती, याद रखना डिमेट अकाउंट में आपको हमेशा शेयर्स की क्वांटिटी ही मिलती है, उसकी वैल्यू नहीं मिलती। वैल्यू चाहिए तो आप अलग अलग एप्लीकेशन आती है, मनी कंट्रोल करके बड़ी फेमस एप्लीकेशन है, वहां जाओ और अपने जितने भी शेयर्स है वहां लिख दो तो वो मेंटेन रहेगा, आपको मालूम पड़ेगा कि आपका मार्केट वैल्यू इतना है, बराबर है शेयर्स का। बट आपको डिमेट अकाउंट के स्टेटमेंट में से कभी भी ऐसा नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके पास कितनी अमाउंट के शेयर है, आपके पास क्वांटिटी मिलेगी, यस ये कंपनी के इतने क्वांटिटी के शेयर। आपके पास सपोज 20 कंपनियों के शेयर है तो हर एक कंपनी का नाम आएगा, बाजू में शेयर्स की क्वांटिटी आएगी, ठीक है। तो आपने डीमैट करवाने के लिए क्या किया, फिजिकल शेयर्स डीपी को दिया, डीपी ने वो शेयर्स बैंक कंपनी को दिया, कंपनी ने रजिस्टर्स में नाम चेंज किए, एक सर्टिफिकेट बना के दिया कि यस उसका हमने डीमैट रजिस्टर में डाल दिया है नाम, फिर वो डीमैट वाली कंपनी मीन्स डीपी अपने अकाउंट में ऑनलाइन वो दिखाएगा कि इसके पास इतने शेयर है, ठीक है। तो ये डीमैट प्रोसेस है। सर रिमैट क्या है, रिमैट इससे उल्टा प्रोसेस है, मीन्स किसी के पास ऑनलाइन शेयर्स है डीमैट फॉर्म में शेयर्स है, अब उसको उसके फिजिकल शेयर्स कराने हैं तो फिर वो क्या करेगा, सेम डीपी के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरे को रिमैट कराना है, फिर वो रिमैट की एप्लीकेशन के साथ वो एप्लीकेशन जाएगी कंपनी में, कंपनी देखेगी कि यस उसके डीमैट अकाउंट में इतने शेयर्स पड़े हैं जो सॉफ्ट फॉर्म है, अब उसको वो अपने रजिस्टर में से वहां उतने शेयर्स की संख्या कम करेगी सॉफ्ट फॉर्म वाले शेयर्स की और उतनी संख्या वो हार्ड फॉर्म वाले शेयर्स के रजिस्टर में ऐड कर देगी, एंड फिर कंपनी शेयर्स छाप के देगी आपको, है ना, प्रिंट करके देगी, एंड वो शेयर्स डीपी के पास आएंगे, डीपी आपको दे देगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है उसको रिमैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमैट, रिमटीरियलाइजेशन। पहला था डीमटीरियलाइजेशन। डीमटीरियलाइजेशन मीन्स आपका जो मटेरियल फॉर्मेट है, फिजिकल फॉर्मेट है, उसको डी किया मीन्स कैंसिल किया, डीमटेरियलाइजेशन। एंड दूसरा है रीमैट। रीमैट का मीनिंग क्या है कि फिर से, री का मीनिंग होता है फिर से, मटेरियलाइजेशन मीन्स सॉफ्ट फॉर्म में से फिर से इसको हमने आप फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो ये डीमैट और ये रीमैट, ये शब्द समझ में आ गए।
है ना, ये बड़े कॉमन वर्ड है बच्चों। मैं हमेशा पहले एक दो लेक्चर्स में यही पढ़ाता हूँ कि आगे जाके हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या फिर ये पूरे सब्जेक्ट के रिलेटेड जो शब्द है वो कौन कौन से शब्द यूज होते हैं, तो आगे जाके जब वो शब्द मैं यूज करूँ तो आपको कुछ नया ना लगे। सो दैट इज वाई ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके, तो चलो डीमैट और रिमैट पूरा आपको मैंने समझा दिया। अब आगे एक और वर्ड समझाने जा रहा हूँ, वो है बुलिश एंड बेरिश मार्केट। सर ये क्या है, बुलिश मार्केट क्या है और बेरिश मार्केट क्या है? अगर बुल शब्द को आप जानोगे तो बुल का मीनिंग क्या होता है मालूम है? स्टॉक एक्सचेंज के सामने, एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सामने एक आखला खड़ा किया है, आखला, उसी को बुल बोलते हैं, है ना, बुल। अब जब आप मार्केट के बारे में ऐसा सोचते हो कि भाई शेयर्स की कीमतें अब बढ़ने वाली है, ऐसा आपको अंदर से लगता है, तो मैं आपको बोलूंगा, सपोज आप सपोज अंजलि ने बोला कि सर मेरे को लगता है कि रिलायंस का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अंजलि इज बुलिश अबाउट रिलायंस। मीन्स रिलायंस के शेयर के प्रति अंजलि को ऐसा लग रहा है कि उसकी प्राइस बढ़ने वाली है। तो जहां जो बढ़ने वाला हो ऐसा आपको लग रहा है तो आप उसके लिए, वो मैटर के लिए आप बुलिश हो, है ना। एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आप जिसके बारे में ऑप्टिमिस्ट हो, आशावान हो, उसके बारे में आप बुलिश हो, है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी के शेयर्स की कीमतें बढ़ेगी तो मैं वो कंपनी का के बारे में बुलिश हूँ। और ये बुलिश वालों का एक्शन क्या होता है मालूम है? जो लोग बुलिश होते हैं वो शेयर्स बाय करते हैं। सर बाय करने वाले बुलिश होते हैं? यस, उनको मालूम नहीं होता बट वो बुलिश होते हैं। क्यों? इसलिए बुलिश होते हैं कि अभी मैंने बाय किया, सपोज कोई शेयर मैंने सपोज 1965 में बाय किया, 1965 रुपीस में सपोज एक शेयर रिलायंस का मैंने बाय किया, तो मैंने क्यों बाय किया 1965 में? मेरे को ऐसा लगा कि आगे जाके प्राइस 2300-2400 जाएगी, है ना, 2400 जाएगी, तो अभी 1965 में ले लेता हूँ, आगे जाके मैं बुलिश हूँ तो मेरे को तो लगता है प्राइस बढ़ेगी, मेरे को लगता है 2400 तक जाएगी, मैं 2400 तक वेट करता हूँ, और जब ये 1965 के शेयर 2400 पर पहुंच गए तब मैं बेच दूंगा, है ना। तो बुलिश आदमी एग्जिस्टिंग स्थिति में क्या पोजीशन लेता है, तो वो बाय करता है, एंड फ्यूचर में, भविष्य में वो क्या करता है, सेल करता है। तो एग्जिस्टिंग एज ऑफ नाउ बुलिश बंदा क्या करेगा, बाय करेगा। एंड बेरिश, अब उससे उल्टा है बेरिश। बेरिश मीन्स ऐसा आदमी कि जिसको ऐसा लगता है कि आगे जाके शेयर मार्केट टूटेगा, ये कंपनी के शेयर्स की कीमत गिरेगी, वो आदमी को हम क्या बोलते हैं, बेरिश। ये बंदा क्या सोचता है, बेरिश वाला, बेरिश ऐसा सोच रहा है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज लाइक अ पेसिमिस्ट पर्सन, है ना, आशावान है, ऐसा उसका उल्टा निराशावान। मींस उसको ऐसा लगता है कि प्राइस गिरेगी, कम होगी। अब उसके पास रीजंस भी होंगे कुछ, उसका कुछ खुद का कैलकुलेशन होगा, प्रेडिक्शन होगा, बट ऐसा उसको लगता है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ही इज बेरिश अबाउट समथिंग, है ना, शेयर्स प्राइस के बारे में वो बेरिश है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो बुलिश समझाया, बेरिश आपको समझाया, है ना, बुलिश एंड बेरिश को हमने समझ लिया। अब बेरिश वालों का एग्जिस्टिंग स्टेप क्या होता है, वो अभी क्या करते हैं, तो उनके पास अगर शेयर्स पड़े ना तो अभी बेच देंगे। सपोज मेरे पास रिलायंस के शेयर पड़े, उसकी 2400 कीमत चल रही है और वो हाईएस्ट लग रहा है कि इससे ज्यादा अब नहीं बढ़ेगी, तो अब मैं क्या हो जाऊंगा, अब मैं बेरिश हो जाऊंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं बेच दूंगा, क्योंकि अभी इससे ज्यादा बढ़ेगी नहीं, मीन्स अब तो कम होगी, तो 2400 में अभी मैं राइट नाउ बेच सकता हूँ मार्केट में, तो मैं बेच दूं, फिर आगे जाके एक दो महीने में प्राइस जब कम होगा ना तब क्या होगा, तो मेरा लॉस बच जाएगा। आर यू गेटिंग? अदरवाइज क्या, अभी 2400 कीमत चल रहा है, अभी 2400 में मैंने नहीं बेचा और दो महीने के बाद 2100 हो गया तब बेचा, तो मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा, मेरा अपॉर्चुनिटी रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। तो पर शेयर के मेरे को जो 2400 मिलने वाले थे, अब उसके सामने एक दो महीने के बाद पर शेयर के सिर्फ 2100 मिलने वाले, तो ये मेरे को क्या होगा, मेरा अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। तो बेरिश वाले हमेशा क्या करते हैं, सिक्योरिटीज बेच देते हैं, एंड जो बुलिश होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा सिक्योरिटी बाय करते हैं। क्लियर है? सिक्योरिटीज, अब आइडियली स्टॉक मार्केट में कब बाय करना चाहिए और कब
बेचना चाहिए। किसी का क्वेश्चन है बेरिश आर डाउन द मार्केट, बुलिश आर राइज द मार्केट। नहीं, दे आर एक्सपेक्टिंग टू राइज द मार्केट। बुलिश वाले क्या सोच रहे हैं कि प्राइस बढ़ेगा, एंड बेरिश वाले क्या सोच रहे हैं कि प्राइस कम होगा। ये मेंटालिटी वाले लोगों को बुलिश या बेरिश कहा जाता है ना। ये स्टॉक स्पेसिफिक वर्ड है, ऐसा नहीं होता है कि हेट है ना हमेशा हेट इज अ बुलिश, ऐसा नहीं होता है। हेट इज बुलिश अबाउट रिलायंस, हेट इज बुलिश अबाउट टाटा, आप समझ लो। हेट इज नॉट बुलिश फॉर ऑल कंपनीज, आर यू गेटिंग। ये आपका बुलिश या बेरिश एटीट्यूड कंपनी वाइज होता है, हर एक स्क्रिप्ट या सिक्योरिटी वाइज आपका बुलिशनेस या बेरिशनेस होता है, ठीक है। वो कभी भी इन जनरल नहीं होता है कि आई एम ऑलवेज बुलिश, ऐसा नहीं होता है। आई एम ऑलवेज बेरिश, ऐसा नहीं होता है। वो स्टॉक स्पेसिफिक चीज होती है, सिक्योरिटी स्पेसिफिक चीज होती है कि ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स के बारे में मैं बुलिश हूँ और ये पर्टिकुलर कंपनी के शेयर के बारे में मैं बेरिश हूँ, ठीक है। तो एवरीवन क्लियर विद दिस?